है हिंद 24 टीवी। नमस्कार, मैं हिंद 24 टीवी से आपके लिए चलता हूं ग्राम पंचायत सुभाषपुर और भटवा चक के मध्य में, जो कि रामपुर नदी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। आपसे बता दें कि यहां पर इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आज यहां पर आप मेरे कैमरे के पीछे देख रहे होंगे, देख रहे हैं लोगों का भीड़ इकट्ठा है, और यहां पे जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं रजनीश मिश्रा जी, आज इन लोगों के बीच में आए हुए हैं। और आपसे बता दें कि आप देख रहे हैं लोग यहां पर इकट्ठा हैं, और मैं एक एक लोगों से प्रेजेंट के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं आपको उनसे सीधे बात कराता हूं। आइए मैं इन चाचा के पास जाता हूं। चाचा, क्या नाम है आपका? छत्रधारी। तो ये बताइए आप कि जो इस समय यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं वो आपके गांव के लिए क्या क्या काम किए? अब हम कुछ चुनाव करे हैं साहब, अब करें थे जो उनकर ही सामने था मौसम में कह दिए भाई। लेकिन अभी क्या करेंगे, उनका तो सम कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो उनको कुछ करना नहीं है, अभी तो आपको चुनना है। लेकिन हमने पूछा कि जो आपके भूतपूर्व जो इसके पहले जिला पंचायत इस समय थे, उन्होंने आपके गांव के लिए क्या किया? कुछ चुनाव करें, ये सड़क पास आए, कुछ चुनाव करें, कुछ नहीं काम किया ना है। देखा आपने, चाचा ने कहा कि इन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। आइए मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका, ये बताइए? जो आपके इस गांव के क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं, वो आपके गांव के लिए क्या क्या किए? तो यहाँ के यहाँ पे आपको कुछ नहीं मालूम क्या किए? तो आइए किसी और के पास चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जो आपके यहाँ के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो आपके गांव के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य रहे इस गांव के लिए कुछ नहीं किए। तो जो इस समय यहाँ के प्रत्याशी हैं रजनीश मिश्रा जी के बारे में मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि उनके बारे में उनकी क्या राय है? मैं उनको नहीं जानता। एक मिनट, रजनीश मिश्रा को मैं आपको इनसे बात कराता हूँ, इनका नाम पूछना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हरिलाल। हरिलाल, कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? हमारा ग्राम पंचायत है पाली सुभाषपुर, पोस्ट पाली, तहसील मणियाहो, जिला जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो जो आपके यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जिसको आपने पिछली बार चुना, वो आपके गांव के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? नहीं। तो आप उनको फिर से चुनना चाहेंगे? नहीं। देखा आपने की जो भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य है उनके बारे में इनकी राय, आक्रोश ग्रामीणों के चेहरे पे आक्रोश दिख रहा है। आक्रोश वो चाह रहे हैं कि मैं उनको दोबारा नहीं चुनना चाहता। आप आइए धीरे धीरे कैमरा से, मैं बोलूंगा आप आगे आइए, मैं कुछ और लोगों से आपके बारे में बात करना चाहूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? जो आपके जो भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ना काम के हैं, कोई काम नहीं किए। नहीं, यहाँ दिखावा नहीं केहन जीते एक बार। तो आप उनको इस बार जिताना चाहेंगे? नहीं नहीं। तो आपने देखा इन्होंने भी, इन्होंने कहा कि हम उनको नहीं जिताना चाहते। आइए मैं कुछ लोगों से और आपकी बात कराता हूँ। ये देखिए भाई साहब खड़े हैं, मैं इनके बारे में बात कराना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो आप जो पहले के जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको आप फिर से जिताना चाहेंगे? नहीं। आप जो अभी प्रत्याशी हैं आपके यहाँ के रजनीश मिश्रा जी, उनके बारे में दो शब्द कहिए। भावी प्रत्याशी के बारे में प्रतिनिधि जनता चुनती है जी, और जो पूरी पब्लिक को लाइक करेगा उसी को हम लोग भी लाइक कर सकते हैं, और ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए कि जिससे गांव का विकास हो। तो आपको रजनीश मिश्रा का चुनाव कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का रुझान है कि वो जो है रजनीश मिश्रा को चुनना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ का चुनावी समीक्षा खत्म करता हूँ। मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, हिंद 24 टीवी, भटवा चक, सुभाषपुर।